दोस्तों जो जो स्टूडेंट 12वीं पास हैं, जो स्टूडेंट 12वीं पास है उनके लिए शानदार मौका है। आप नेवी अग्निवीर में फॉर्म डाल सकते हैं। न्यू वैकेंसी आई है दोस्तों आप लोगों के लिए। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स के साथ जानेंगे क्या क्या स्टैंडर्ड मांगे, क्या क्या आप में एबिलिटी मांगा है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं और कहाँ कहाँ से फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं अरिंद डहरिया, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AR डिफेंस क्लास में। दोस्तों आपको हमारे चैनल पर जॉब से रिलेटेड जानकारी मिलती है और उनमें पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस कराया जाता है। तो दोस्तों जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों तक हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी जॉब की वैकेंसी अपडेट पता चलती रहे। दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। दोस्तों इंडियन नेवी अग्निवीर SSR में दोस्तों न्यू पोस्ट आया है। इसके नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में जानेंगे हम लोग, फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट हो रहा है उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहां पर देख सकते हैं अभी 24 नवंबर को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। दोस्तों कुछ कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था जो आज बना रहा हूँ दोस्तों। तो आपका जो फॉर्म फिलअप का स्टार्टिंग डेट है वो 8 दिसंबर से स्टार्ट है दोस्तों। आप लोग के लिए अभी टाइम है, आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो उसका लास्ट डेट रहेगा वो 17 दिसंबर को रहेगा दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप लोगों को फीस पे करना पड़ेगा, चाहे आप जनरल से हो, OBC से हो, SC या ST से हो। दोस्तों आप लोगों को 550 पे करना पड़ेगा ही। दोस्तों जानते हैं जॉब लोकेशन के बारे में, जानते हैं जॉब लोकेशन के बारे में। तो आप इंडिया में कहीं से भी हों आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों का शानदार मौका है। और जो इसमें एज लिमिट है दोस्तों, एज लिमिट के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। यदि आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 1/5/2002 से स्टार्ट होके 31/10/2005 के बीच में है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं दोस्तों इसके लिए। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो 1400 पोस्ट आया हुआ है इस वक्त, बहुत ही शानदार मौका है दोस्तों आप लोगों के लिए फॉर्म अप्लाई करने का, क्योंकि बहुत ही बड़ी वैकेंसी है दोस्तों नेवी के द्वारा भी रिलीज हुआ है। चलिए बात जानते हैं इसके बारे में और कुछ डिटेल्स। तो कौन कौन से कैटेगरी वालों को क्या कितना कितना पोस्ट प्रोवाइड हुए हैं, यानी दोस्तों मेल और फीमेल। दोस्तों इसमें मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों के लिए शानदार मौका। इसमें फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं जो 12वीं पास हैं। उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में और जानेंगे डिटेल के साथ। पहले जानते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल को। तो दोस्तों इंडियन नेवी SSR में दोस्तों 1120 पोस्ट, जो 1120 पोस्ट है वो मेल के लिए है दोस्तों, मेल के लिए है। और जो 280 पोस्ट है उसमें फीमेल्स अप्लाई कर सकती है दोस्तों, फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। अब जानते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जो कैंडिडेट 12th पास हैं, यानी कि दोस्तों यदि आप लोग केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स से या कंप्यूटर साइंस से या बायोलॉजी से दोस्तों यदि आप बिलोंग करते हैं या फिजिक्स से, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नेवी SSR में आप लोगों के लिए शानदार मौका है दोस्तों। यदि आप लोगों को इसके सिलेबस चाहिए एग्ज़ाम के बारे में तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे। अब जानते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में मेल और फीमेल के लिए क्या क्या है। तो दोस्तों मेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट मांगा है दोस्तों, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है उसके लिए। और रनिंग देखते हैं तो मेल के लिए, मेल वालों को 1600 मीटर दोस्तों 6.5 मिनट में कंप्लीट करना है, और फीमेल को 8 मिनट में कंप्लीट करना है दोस्तों। अब स्क्वाट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, उठक बैठक के बारे में। तो मेल को 20 टाइम्स करना पड़ेगा और जो फीमेल्स हैं उनको 15 टाइम करना पड़ेगा दोस्तों। बात करते हैं पुशअप की।
दोस्तों पुशअप सिर्फ मेल कैटेगरी के लोगों को ही करना पड़ेगा फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए, फीमेल इसमें नहीं करेंगी दोस्तों, उनको इसमें नहीं करना पड़ेगा। एंड इसमें बेंट नी सीटअप में दोस्तों मेल को 10 टाइम करना पड़ेगा और पुशअप में 12 टाइम करना पड़ेगा दोस्तों। अब कैसे अप्लाई करना है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या किसी भी कंप्यूटर सेंटर में करवा सकते हैं दोस्तों, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सभी साथियों तक शेयर करें हमारे वीकेंसी अपडेट वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके दोस्तों। तो दोस्तों आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें आपका जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा, आप दोनों में एलिजिबल रहेंगे तो आपका दोस्तों ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, यदि आप लोगों को कुछ पूछना है, यदि आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी सारी समस्याओं का हल किया जाएगा। तो मिलते हैं एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।